Let us start our class. Class 6, subject English text. Chapter 7, chapter name is Fair Play. Before you read, has your best friend ever done something you thought was wrong? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जब आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हो तो कभी कुछ ऐसा किया है जो आपके थॉट गलत थे, तब आपने क्या किया? क्या आप चुप रहे अथवा क्या आपने अपने फ्रेंड को अपना थॉट बताया? तो ये इस स्टोरी में दो टू फ्रेंड्स की कहानी है जिसे हम रीड करेंगे और जिन्हें यह निर्णय करना था कि क्या अधिक इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप या एनिमिटी, एक समझ की क्या ठीक है, उचित है और क्या अनुचित है। तो आइए हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वेन अदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक आफ्टर हिज फैमिली बट वेयर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज। वी उस गांव में दोनों की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि जब भी वे एक कहीं जाते थे तो एक दूसरे की फैमिली का केयर करते थे और गांव में उनकी बहुत ही रेस्पेक्ट थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स देन द सिचुएशन चेंज। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव जुम्मन बिकम एंड indifferent to her as his wife who guarded even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months but patience had its limits. Juman ki ek old aunt thi jiske paas property thi, usne ise iske naam se कर दिया था यह सोच कर कि वह उसके साथ रहेगी और उनकी वो टेक केयर करेगा। यह प्रबंध 2 वर्षों तक सही चलता रहा, फिर अचानक हालात बदल गए। जुम्मन और उनकी फैमिली अपने वृद्ध संबंधी से क्या हो गए, उदास हो गए। जुम्मन भी अपनी आंट से उतना ही तंग हो गया जितना कि उनकी वाइफ जो कि उस ओल्ड को थोड़ा बहुत खाने को देती, वो भी बिना इच्छा के, वह उस अपमान को सहन कर लेती थी। कई मंथ तक तो वह इस अपमान को सहती रही, परंतु सब्र की एक लिमिट होती है। वन डे सी स्पोक टू जुमन, माय सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। माय वाइफ नो बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेटेंट, सेड जुमन। सेम इजली दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। एक दिन वह जुम्मन से बोली कि बेटे अब यह साफ हो गया कि मैं इस घर में अनचाही हूँ, इसलिए प्लीज मुझे मंथ का भत्ता दे दिया करो ताकि मैं अपना अलग सेपरेट किचन में अपना खाना बना सकूँ। मेरी वाइफ अच्छी तरह जानती है कि घर किस तरह चलाया जाता है, धैर्य रखो। जुम्मन ने बहुत ही बेशर्मी से बात उनसे कह दी। इस पर उनकी आंट बहुत ही क्रोधित हुई और उसने अपना मामला पंचायत ले जाने का फैसला कर लिया। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेज एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट सम सिंपैथीज विथ हर अदर्स लव at her and a few others advise her to make it up with her nephew and his wife. At last the scam to Algu Chaudhary and spoke to him.
यू नो चाची, जम्मू इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई सो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मॉम एंड नॉट से वॉट यू कंसाइडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ. सी सेड, अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स kept ringing in his ears. कई दिन तक वह बूढ़ी चाची को गांव वालों से अपनी बात को समझाते और उनकी सहायता मांगते हुए देखा गया. कुछ लोगों ने सहानुभूति भी दिखाई, कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया और कुछ दूसरों ने उसे अपने भतीजे तथा उनकी वाइफ से समझौता करने की सलाह दी. आखिरकार वह अलगू चौधरी के पास गई और उसे सब कुछ बताया. तुम जानती हो चाची, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अलगू ने ऐसा कहा. परंतु क्या यह सही है मेरे बेटे, जो बात तुम्हें न्यायपूर्ण और सत्य लगे उसे न कहकर अपने को चुप रखो, वो ओल्ड औरत ने तर्क दिया. पंचायत में जाओ और सत्य बोलो, उसने कहा. अलगू ने जवाब नहीं दिया मगर उसके शब्द उनके ईयर्स में रिंगिंग करते रहे. अब इस स्टोरी का पार्ट टू. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अवॉइड बाई हर डिसीजन. उसी शाम को एक बनियान ट्री के नीचे पंचायत बुलाई गई. जुम्मन भी वहाँ खड़ा हुआ और बोला, पंचों की आवाज़ गॉड की आवाज़ होती है और मेरी आंट किसी को सरपंच के लिए मनोनीत करे, मैं उसके फैसले से क्या हूँ, उनके डिसीजन से सहमत हूँ. द पंच नो नाइदर फ्रेंड नॉर एनमी, बट वाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंसेड. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हीडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन, सेड अलगू. आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्सेंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेनेड हर केस. पंच मित्रता शत्रुता को नहीं मानते. अलगू चौधरी के बारे में आपका क्या कहना है, बूढ़ी औरत ने घोषणा की. बहुत अच्छा, जुम्मन ने आशा रही भाग्य पर खुशी को छिपाते हुए कहा. चाची, आपको और मेरी जुम्मन की दोस्ती का ज्ञान है, अलगू ने कहा. मैं यह जानती हूँ, चाची ने उत्तर दिया. परंतु मैं यह भी जानती हूँ कि मित्रता के लिए तुम अपनी आत्मा को नहीं मारोगे. भगवान पंचायतों के दिल में रहता है और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है. और ओल्ड उमर ने अपनी बात बताई. जुम्मन, अलगू ने कहा, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं, तुम्हारी चाची तुम्हारी तरह मुझे भी प्रिय है. अब मैं एक पंच हूँ और तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए बराबर हो. तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है, ये अलगू चौधरी ने कहा. जुम्मन सेड अलगू, यू सेड आई आर ओल्ड फ्रेंड, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू नाउ आई एम ए पंच. यू आर एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. 3 years ago, began Juman, my aunt transferred her property to me. A promise to support her as long as as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I cannot stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. 3 साल पहले जुम्मन ने कहना शुरू किया कि मेरी चाची ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी थी. मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब तक वह जीवित रहेंगी मैं उनकी हेल्प करूँगा. मैं जो कर सकता था मैंने वह किया. मेरी चाची और मेरी वाइफ के बीच एक दो बार झगड़े भी हो चुके हैं जिन्हें मैं रोक नहीं सकता. अब मेरी चाची मुझसे मंथली
खर्चा मांग रही है या हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बस यही मुझे कहना है। जुमन मस्ट क्रॉस एक्सामिनेड बाई अलगू एंड अदर्स, देन अलगू अनाउंस वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुमन मस्ट पे दे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। अलगू तथा अन्य द्वारा जुमन से जिरह की गई, तब अलगू ने यह अनाउंस किया कि हमने मामले को सावधानी से समझा है और हमारा एडवाइस यह है कि जुमन को अपनी आंट को मंथली पैसे देने चाहिए, जरूर देना चाहिए, अथवा उनकी जायदाद भी उन्हें वापस कर देना चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वेयर सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, इन फैक्ट जुमन वॉज अलगू एनमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। अब दोनों दोस्तों के फ्रेंडशिप के बीच में मनमुटाव हो गया और उनकी दोस्ती वहीं पे क्या हो गई, ब्रोकन हो गई, टूट गई। वास्तव में जुमन अलगू का एनिमी बन गया, दुश्मन बन गया और अलगू से बदला लेना चाहता था। तो इस चैप्टर को आप यहाँ तक रीड करिएगा, हमने यहाँ तक रीड किया, एक्सप्लेन किया, आप भी करिएगा। पार्ट 3 हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।